हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अथॉरिटी की एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की। ये टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें अगला टॉपिक है। इस वीडियो में हम देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम, दो वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर होगा। इसमें हम आधा देखेंगे यानी अथॉरिटी एंड थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, और फिर उसके बाद ये चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में। इसमें हम टाइप देखेंगे, ये हम कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक से। ये यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको एमए बीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमए बीए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मुनी एंड रैली डिस्क्राइब अथॉरिटी एज द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर दैट प्रोवाइड लीजिटिमेसी टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है टॉप पे, मिडिल में, बॉटम में, है ना, और सबके पास अथॉरिटी होता है ना। और अथॉरिटी जो होता है वो ये बताता है कि इस इंसान के पास जो फंक्शन का पावर है, क्या क्या ये फंक्शन कर सकता है ना, और ये लीजिटिमेट है। लीजिटिमेट यानी ये वैध है, ये अधिकार मिला हुआ है कुछ प्रोसेस और कुछ एलिजिबिलिटी के पूरा होने के बाद, है ना। तो ये लीजिटिमेट है यानी वैध है ना, लीजिटिमेट है यानी वैध है, वैध है यानी वैलिड है ना, वैलिड है यानी जो पावर है, जो पावर मिलता है कोई पोजीशन पे, अगर आप हैं किसी पोजीशन पे अगर आप हैं तो जो पावर मिलता है आपको, वो पावर वैध है कि नहीं है, ये अथॉरिटी के थ्रू ही डिसाइड होता है ना। अगला पॉइंट देखिए, डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी इज लीजिटिमेसी, है ना। अथॉरिटी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लीजिटिमेसी यानी वैधता, यानी कानूनी तौर पर वो वैध है ना। और वहीं अगर हम बात करें पावर की, है ना, पावर जो होता है पावर कोएर्सिव होता है ना, कोएर्सिव यानी इसमें डर, डर की वजह से लोग पावर को फॉलो करते हैं, लेकिन अथॉरिटी में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए टॉप पे कोई आदमी है, उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट है, वो क्यों इसको फॉलो करें, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है कि ये लोग उसको पालन करें। लेकिन वहीं पर जो पावर होता है ना, कोई पावर है सब कुछ कीजिए, तो पावर कि जो लीजिटिमेसी है वो कोएर्सिव होता है, यानी ये पावर, पावर जो होता है अपने आप में डर की वजह से लोग पावर को मानते हैं। अथॉरिटी इज द लीजिटिमेट पावर ऑफ ऑफिस होल्डर, है ना। अथॉरिटी जो है क्या है, एक वैध शक्ति है ना, वैध, वैध या वैलिड, है ना, लीजिटी यानी कानूनी तौर पर वो आदमी के पास अथॉरिटी है कि वो पर्टिकुलर पोजीशन पे वो विद्यमान है या पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और फिर उसके नीचे जो लोग हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बात को ओबीडियंट कर रहे हैं या उसको बात को ओबे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कानूनी तौर पर वैध होता है जो अथॉरिटी होता है, अदरवाइज कोई मानेगा ही नहीं, है ना। लोग बोलेंगे तुम्हारे पास ये अधिकार कहाँ से आया, है ना। आगे जो है इसमें देखिए, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, है ना, इसमें कहता है देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है लॉ, है ना, यानी जो अधिकार, जो अथॉरिटी मिलता है, प्राधिकार जो मिलता है, उसमें जो सोर्स हैं, किस सोर्स से किसी पर्टिकुलर इंसान के पोजीशंस को अथॉरिटी दी जाती है, किस पर। तो तीन सोर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पहला है लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, जो कि एक्ट बनता है, है ना। एक्ट आने के बाद भी उसको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो कानून बन जाता है। फिर उसके बाद आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और अगला है जुडिशियल डिसीजन, जो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है या हाई कोर्ट का, उसको सबको मानना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं
लॉ, और लॉ में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं जो कि एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी ग्रांट करती हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिशन। ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स जो होते हैं, सपोज कीजिए कोई कंपनी है, उसके जो नॉर्म्स हैं कि हाँ इस चीज़ को, इस जैसे बॉस को कौन कौन फॉलो करेगा, या जो बॉस है, एरिया मैनेजर है, फील्ड मैनेजर है, उसको कौन कौन फॉलो करेगा, तो इस टाइप से ये चीज़ वर्क करता है। जो ट्रेडिशन बना हुआ है, यानी एक परंपरा चली आ रही है, तो वो एक अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं कि हाँ फॉलो करना है। जैसे टीचर क्लास में जब एंटर करते हैं तो एक अंडरस्टूड चीज़ है कि हमें खड़ा हो जाना चाहिए, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको टीचर के सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए जब टीचर एंटर करते हैं। इसी तरह का ये परंपरा है, परंपरा की बात हो रही है। और इसमें अगला जो है कोड एंड वर्क हैबिट आता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जो लोग हैं वो पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, और इसमें हैबिट भी आ जाता है ना। हैबिट में जैसे वही हम बात कर रहे थे, जैसे अगर आपसे सीनियर कोई आ रहा है तो उसके सामने आप खड़ा हो जाइए, अगर आप बैठे हैं, आपका सीनियर आपके पास आ गया, तो आपका फर्ज बनता है कि उसके सामने आप खड़ा हो जाइए। तो एक तरह का ये हैबिट भी हो सकता है इसमें। फिर उसके बाद आता है डेलीगेशन, दैट इज कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी बाय द हायर टू द लोअर लेवल अथॉरिटी, है ना। ये जो बॉस है अपने नीचे के अधिकारी को कुछ अथॉरिटी दे देते हैं पर्टिकुलर काम को कराने के लिए, जिसके उनके नीचे जो लोग होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है ना। तो ये है डेलीगेटेड, डेलीगेशन का मतलब है ना। तो ये है, आपको हमने देखा इसमें तीन सोर्स हो गए, लॉ, ट्रेडिशंस एंड डेलीगेशन, है ना। ये आगे देखते हैं, उसके बाद आता है एरिया ऑफ अथॉरिटी नीडेड, है ना। कौन कौन से जो एरिया है जिसमें अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू मीलेट एडमिनिस्ट्रेटर नीड सफिशियंट अथॉरिटी इन द फॉलोइंग फोर एरिया टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी इफेक्टिवली, है ना। देखिए बेसिकली चार एरिया में अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, जिसमें अगर हम देखें तो टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ एक्टिविटी, दैट इज प्रोग्राम अथॉरिटी, है ना। प्रोग्राम यानी डिसीजन लेने की अथॉरिटी, की ऑब्जेक्टिव और पर्पस के बारे में डिसीजन लेने का, जिसको प्रोग्राम अथॉरिटी कहा गया है इसमें। फिर उसके बाद है टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इफेक्टिवली, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए कोई किसी इवेंट को होल्ड करना है, तो किसी इवेंट को होल्ड करने कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, कौन क्या काम करेगा। जैसे जैसे हम लोग कोई रिसेप्शन की पार्टी करते हैं, तो उसमें हर आदमी की एक टास्क दिया जाता है कि आपको ये लाना है, आपको ये लाना है। तो इसी टाइप का कोई इवेंट अगर होल्ड किया जा रहा है, तो उसमें एक आपको टेम्प्रोरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है लोगों का, जो कि उस इवेंट को सक्सेसफुली फिनिश करने के लिए काम करते हैं, जो काम उनको दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है डिटरमाइन बजटरी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम गोल्स एंड प्रायोरिटी। अब देखिए कोई भी इवेंट है, उसमें पैसे की खर्च होगी कुछ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बजट जरूरी होता है, जिसको बजटरी अथॉरिटी कहा गया है। फिर उसके बाद आता है टू अपॉइंट, मोटिवेट एंड अप्रेज एंड डिसिप्लिन द पर्सोनेल इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पर्सोनेल अथॉरिटी, है ना। तो फिर उसके बाद हम देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। पहला है ब्यूरो टाइप। ब्यूरो टाइप में क्या होता है, वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल, है ना। ब्यूरो जो होता है, ब्यूरो में क्या होता है, ब्यूरो में जो अथॉरिटी होती है किसी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के पास अथॉरिटी होती है ना, और वही सब कुछ देखता है। जैसे कि सपोज कीजिए डीसी जो होता है, डीसी अपने आप में एक तरह का ब्यूरो का हेड है ना। फिर उसके बाद अगला जो है कहता है बोर्ड और कमीशन टाइप अथॉरिटी, वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज गिवन इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना। बोर्ड वाला जो सिस्टम होता है, इसमें
जो लोग होते हैं, जो टॉप पे होते हैं, ये ग्रुप में होते हैं ना, दो तीन या चार या जितनी रिक्वायरमेंट है, यानी एक से ज़्यादा लोग होते हैं इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो एक तरह का बोर्ड और कमीशन टाइप सिस्टम है ना, इसी वजह से इसको इलेक्शन कमीशन कहा जाता है ना। तो कमीशन में मोर देन वन हेड होता है, और एक तरीके से बोर्ड होता है या कमीशन उसको कहा जाता है, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द अथॉरिटी फॉर द सेम टास्क, और ब्यूरो में सिंगल पर्सन के पास सारी अथॉरिटी होती है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, और उसके बाद एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी देखेंगे, और फिर इसमें अगला जो टॉपिक आएगा वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।